रेणु रेणु स्वागत बा रउआ सभे के हमारा एक और नया ब्लॉग में। और आज हम सोचनी है कि भोजपुरी में अपन ब्लॉग शूट करी और रउआ सभे के अपना गांव के और अपना क्षेत्र के कुछ मिजाज बताई। तो कैसन बानी रउआ सभे? और आज के मौसम कुछ बढ़िया बा और दिन भर आज बारिश ना भइल, हल्का सा बूंदा बूंदी भइल है, तो ओकरा के तो पूरा ना कहल जाई। काल बारिश भई रहे बहुत तेज और रात में भी बारिश भई रहे। और कल अपन भारत जीतल मैच वर्ल्ड कप, तो ओकरा में तो चार चांद लग गई कहें से कि वर्ल्ड कप एने हमनी के देखत रही जा और बारिश भी होत रहे, तो ओकरा में तो बहुत ही बढ़िया रहल और मौसम काफ़ी सुहाना रहता अभी। और गांव में जे भी रहता, शहर के तो उतना हम नहीं बता सकत, गांव में जे भी रहता वो काफ़ी अब आनंद उठावता दो दिन तीन दिन से, कहें से कि बारिश बहुत बढ़िया चलता, मौसम भी बहुत बढ़िया चलता और बारिश भी हल्का फुल्का होत रहता। और जे भी रोड पर निकलता तो थोड़ा ठंडा हवा मिलता, तो जेकर भी दिमाग तनी है गर्म रहता तो तनी ठंडा हो जाता। यही सब बा। और अभी के भी मौसम, मतलब कि अभी सूर्यदेव नहीं उगल और शायद दिखाई देत हुई हैं, बदरी चीर के बाहरी आवे के कोशिश करत रहे, बाकी अभी आ नहीं खन पावत, लेकिन मौसम काफ़ी सुहाना बा। और अपना हम अभी बानी छत पे और यही जैसे रउआ सभी के तनी अपना अगल बगल के नज़ारा देखावे के कोशिश करत तनी कि कैसन दिखाई देताटे। के प्रतिक्रिया रोज के तरह वही रहेला। और ई बड़े हमार दीपक भाई अभी डायरी पर से दूध लेके देखी कैसे कमंडल में दूध ले बड़े और घरे के तरफ जाता रहन। और देखी कैसे भैंस चरा के लोग अपना घरे लौटा था, कहें से कि अब शाम के समय हो गई बा। इहो एगो आनंद सब लोग उठौले हुई। और देखिए ये गाय चर तारी से घास। और मौसम देखी कितना बढ़िया है, जैसे लौकता दिखाई देता बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल चारों तरफ में हरा भरा बा। और हमनी के गांव बसल बटे, तो गांव के अगल बगल पूरा पेड़ ही पा, तो एजा वो तरीका के कोनो हवा के दिक्कत ना होला, हल्का सा भी हवा बहेला तो बहुत ही बढ़िया हवा आवेला हमनी के तरफ में। और नज़ारा भी बहुत बढ़िया लगेला। अब देखी रउआ ये जैसे घर के गिनती नहीं कर सकत, कहें से कि पूरा जंगल टाइप के एकदम लौकी, जबकि हमनी खातिर बहुत बढ़िया बा। ये देखी पानी टंकी है, सरकारी पानी टंकी, यही जैसे हमनी के पानी का सप्लाई होला, पूरा फिल्टर करके आरओ वाला पानी आवेला। और एक हमनी के वार्ड जो हटे तो एक नंबर वार्ड है, तो एक नंबर वार्ड में पूरा पानी यही टंकी से जाला। और एजा से रउआ गिनती नहीं कर सकत घर के, कहें से इतना ज़्यादा पेड़ बा कि रउआ से घर ना गिना पाई। भोजपुरी में ब्लॉग हमार बनावे के मकसद कुछ ऐसा ना रहा है, लेकिन सोचनी है कि भोजपुरी में भी बना के तनी देखो तनी कि रउआ सभी के पसंद आवता कि ना। तो तनी रउआ सभी कमेंट में जरूर बताई कि भोजपुरी में ब्लॉग कैसा लगता। यदि भोजपुरी में ही अच्छा लगी तो आज के बाद ब्लॉग कोशिश करब कि टोटल भोजपुरी में ही आवे, कहें से कि भोजपुरी में तनी बतावे में और मजा आवेला, कहें से कि हर एक चीज़ के आदमी बता सकता बढ़िया से भोजपुरी में। और हिंदी में बतावे में थोड़ा अपना गाँव के आदमी बड़े हिंदी बहुत बढ़िया से सब कुछ समझल, पढ़ल लिखल सब लोग बाबा कि तनी भोजपुरी में मजा आवेला, इंटरेस्टिंग रहेला तनी। और तनी जौन आवाज़ बा हमनी के उ आवाज़ तनी बाहर के आदमी जे भी बाटे जैसे तनी साइड में हट के जे रहेला दूसरा दूसरा क्षेत्र के, ओकरा तनी अजीब लागेला कि कैसे बोलता लोग, ये भी रहेला तनी बढ़िया लागेला। यह बा तो तनी रउआ सब कमेंट में आज जरूर बताई कि कैसन लागत भोजपुरी में ब्लॉग। और अभी अपना छत पर ही टहरा तनी और पीछे में देखी उ बाटे हमनी के आइडिया और जियो के टावर, वही जैसे टावर आवेला तो हमनी के मोबाइल चालू रहेली सर और वीडियो अपलोड होला। हम देखावा तनी रउआ के
ये जौन सामने में लौकत है बांध पूरा, ये बांध पकड़ के रउआ जाई भागे तो एक आगे पड़ेला दामोदरपुर नौरांगा। और जौन कल वाला ब्लॉक बनौले रही फेकू बाबा वाला तो यही रास्ता से जाई जाला फेकू बाबा के मंदिर तक। ये टोटल रास्ता ये बांध जौन हटे तौन हमनी के एने कोइलवर तक जाला, एने बक्सर तक चल जाला ये बांध। और घर हमनी के जौन बा तौन बांध के नज़दीक में ही बा। और बहुत ही बढ़िया रोड के नज़दीके में हमनी के बानी जा। और ये देखी गांव वाला सड़क है हमनी के। और घर के अगल बगल पूरा एकदम हरियाली बा। आप लोग सोच सकता नहीं कि शाम के समय भइल होखे और रउआ रोड पर निकल जाई, तनी गांव में यदि रउआ बानी और रउआ तनी निकल जाई घूमे तो कितना बढ़िया लगेला। और खास करके शाम के समय में तब ओकर जवाबे ना रहेला कि कितना बढ़िया रहेला। तो बांध पकड़ के बहुत निकल जाई रउआ उन्हें तनी टहले खातिर, बढ़िया हवा लागी, एकदम शरीर स्वस्थ हो जाइए। शहर में भी तो जीवन उतना बढ़िया नहीं है, बाकी मजबूरी में तो कमाए जाए के पड़ी न, कहे से कि कमाइलो जरूरी बा, बाकी कमा के जब गाँवे आदमी लौटे ले तो फिर उनका मन ना करे शहर में जाए के, बाकी फिर भी मजबूरी बा कि कमाए जा ही के बा। देखिए ये हटे हमनी के पुरानका घर जौन कि माई फर्स्ट ब्लॉग बनौले रही तो ना में रउआ सब के देखौले रही। ये बाटे वहीजा से शुरू और पूरा एजा तक। और हौ भी जौन घर एगो लौकता जौना पर छत पर उजर टंकी बिया तौन हमनिये के घर है आपन बड़का पापा के। उ लोग भी यही घर में से निकल के ओजा घर बनौले बा लोग। और उ जौन सामने में दिखाई देता ओजा जितना भी गाय भैंस रहेली सब ओजे रहेली सब। और एजा से भी रउआ देख सकत नहीं कितना बढ़िया लगता। देखी एगो छोट बच्चा लेके बकरी चरावता, देख ली यह लड़का के उम्र कितना हुई, बहुत छोट लड़का बा बकीर बकरी चरा के घरे लेके जाता। तो आज के ब्लॉग के हिजे समाप्त करत नहीं। और रउआ सब तनी जरूर बताई कमेंट में कि भोजपुरी में ब्लॉग कैसा लगता। और यदि रउआ सब के प्रतिक्रिया सही रही कि हाँ ब्लॉग भोजपुरी में बढ़िया लगता तो कल से अब रेगुलर रही भोजपुरी में ही ब्लॉग। तो वीडियो देखे खातिर धन्यवाद। जे जे हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले उ लोग हमारा चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।